नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे गिरजेश गौड़ यानी कि गोल्डन यूनिक बॉय के बारे में। वैसे दोस्तों, आपने गोल्डन यूनिक बॉय के कई सारे वीडियो देखे होंगे, लेकिन क्या आपको पता है कि गोल्डन यूनिक बॉय ने अपना नाम कमाने के लिए घर को तक छोड़ा है और दोस्तों ये घर से भागे थे। किस तरीके से भागे थे आज के इस वीडियो में जानेंगे। लेकिन दोस्तों, इससे पहले अगर आपने हमारे चैनल पर पहली बार विजिट किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके आप हमें भी सपोर्ट करें। दोस्तों, सोशल मीडिया पर गिरजेश गौड़ का नाम काफ़ी ज़्यादा वायरल है, लेकिन दोस्तों ये एक किसान परिवार से ताल्लुक़ रखते हैं। इनके पिताजी मजदूरी करते थे और लोगों को ऐसा लगता है कि ये किसी सेलिब्रिटी के लड़के हैं, लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं है, एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर तो है ही। इनका जन्म 4 जून 1998 को गोरखपुर उत्तर प्रदेश में हुआ था। इनके पिता किसान थे जिनकी 2011 में मृत्यु हो गई। गिरजेश के परिवार में इनकी माँ हैं, बड़े भाई हैं और 4 बहनें हैं। गिरजेश का कहना है कि इनके बड़े भाई इनके पिता के समान हैं, उन्होंने उन्हें कभी भी पिता की कमी महसूस नहीं होने दी। गिरजेश का जन्म गोरखपुर यूपी में हुआ, लेकिन बचपन से ही वे कर्नाटक में रहते थे। और दोस्तों, गिरजेश एक तरीके से ब्रांड बन चुका है गोल्डन यूनिक बॉय के नाम से। दोस्तों आपको बता दें कि गिरजेश बचपन से ही एक्टिंग करना चाहते थे और एक्टर बनना चाहते थे। पढ़ाई में इनकी ज़्यादा रुचि नहीं थी, इसलिए इनके भाई के कहने पर इन्होंने 10वीं तक की पढ़ाई की और कुछ समय के लिए एक्टिंग क्लास ज्वाइन कर ली। उन्होंने अपने परिवार में कहा कि मैं मुंबई जाना चाहता हूँ, लेकिन मुंबई में कोई भी पहचान नहीं होने के कारण घर वालों ने मना कर दिया। लेकिन गिरजेश कहाँ मानने वाले थे, उनको कैसे भी करके अपने सपनों को पूरा करना था। इसीलिए मुंबई जाने के लिए उसने घर वालों को झूठ बोला। उसने कहा कि मुंबई में सुरक्षा गार्ड की नौकरी मिल गई है। इसके बाद गिरजेश के परिजन तैयार हो गए। घर में एक बोरी गेहूं रखा था जिन्हें बेचकर वे मुंबई चले गए। 2017 में जब गिरजेश मुंबई गए तो गिरजेश बताते हैं कि जब वो मुंबई स्टेशन पर उतरे तो उन्हें ऐसा लगा कि यार, यहाँ पर तो इतने बड़े बड़े लोग रहते हैं, उनका यहाँ पर कोई भी टिकना संभव नहीं होगा। इसीलिए उन्होंने सोचा कि अब मैं कहाँ जाऊँ। उन्होंने स्टेशन पर 2 रातें बिताई, जिसके बाद उन्होंने खुद को समझाया कि आने के बाद यहाँ से वापस नहीं जाऊँगा। और उसके बाद उन्होंने PVR सिनेमा में नौकरी शुरू कर दी। और दोस्तों, कुछ दिन नौकरी करने के बाद बिना पैसे लिए वहाँ से वे ऑडिशन देने चले गए। और दोस्तों, ऑडिशन लगातार देते रहे, फिर भी इनका कहीं पे भी कुछ भी नहीं हो रहा था। फिर इन्होंने विदेश में एक स्टैचू को देखा और इन्हें लगा कि क्यों ना ये कला मैं भारत में भी आजमा सकता हूँ। फिर इन्होंने अपना एक शर्ट निकाला और उसको गोल्डन कलर से पेंट कर दिया। दोस्तों ने पूछा कि तुम शर्ट को क्यों ख़राब कर रहे हो। गिरजेश ने कहा कि वह स्टैचू बनेंगे और दोस्तों ने उसका खूब मजाक उड़ाया। दोस्तों कहते हैं ना कि अगर आप किसी काम की शुरुआत करते हो तो लोग तो आपका मजाक उड़ाएंगे ही, और इसी तरीके से गिरजेश के साथ भी हुआ। लेकिन गिरजेश ने कहा कि मैं भीख नहीं मांगूंगा, यह एक कला है, मैं किसी का नौकर बनने से अच्छा है मैं खुद का मालिक बन जाऊं। भले ही मैं सामने एक दान पेटी रखूंगा, मैं किसी को भी दान करने के लिए मजबूर नहीं करूंगा। इस तरीके से इनकी शुरुआत होती है और अभी फ़िलहाल सोशल मीडिया पर इनको काफ़ी ज़्यादा जाना पहचाना नाम मिल गया है गोल्डन यूनिक बॉय के नाम से। दोस्तों, लोगों का कहना होता है कि तुम ये काम मत करो, लेकिन जो आपका दिल कहता है अगर आप वो करते हो तो एक ना एक दिन सक्सेस ज़रूर होते हो। गिरजेश स्टैचू तो बनते थे, लेकिन इनके घर वालों को नहीं पता था। लेकिन जब ये कपिल शर्मा के शो में गए तो वहाँ से इनके घर वाले भी जानने लगे कि हमारा बेटा ये काम करता है। और दोस्तों, गिरजेश शुरू से ही अपने परिवार वालों से पैसा नहीं लेते थे, क्योंकि अपने बड़े भाई से पैसे लेने में इनको बहुत ज़्यादा शर्म आती थी, जिसकी वजह से इन्होंने सोच लिया था कि मैं खुद ही पैसा कमाऊँगा और मैं अपने घर वालों को पालूंगा। और इस तरीके से इन्होंने अपनी लाइफ लाइन भी सेट कर ली। गिरजेश का कहना है कि मैं इसे अपनी सफलता नहीं मानता, मेरा एक ही सपना था कि मैं मुंबई आकर अभिनेता बनूं। जिस दिन मुझे सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार मिलेगा, मैं समझूंगा कि मैं खुद सफल हो चुका हूं। और दोस्तों, ऐसा ही इन्होंने ठान रखा है और वो करके दिखाया है। आपको गिरजेश गौड़ की एक्टिंग कैसे लगती है, आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बता सकते हैं। मिलते हैं आपसे नए किसी अन्य वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।